पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जेल से भी पर्चा भरवा रहे हैं। जेपी नड्डा ने जेल में बंद लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। आपके ध्यान में है ना कि हमारे विरोधी कुछ लोग पर्चा जेल से भर रहे हैं, देखा है ना? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्तियां हैं, पुरानी दोस्तियां हैं। क्या मजबूरी है कि आज उनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया? क्या मजबूरी है? तो वो शोले फिल्म का गाना आता, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बुरा का साथ बुरे से होता है तो छूटता नहीं है, वो झकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे जेल पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी। 91 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, जिनमें भोगनीपुर से विनोद कटियार का टिकट काटकर राकेश सचान को दिया गया, जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा हैदरगढ़ से विधायक रहे बैजनाथ रावत की जगह बीजेपी ने इस बार दिनेश रावत को टिकट दे दिया। वहीं बीकापुर सीट से बीजेपी ने विधायक शोभा सिंह चौहान की जगह उनके बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया, जबकि देवरिया से सत्यमणि त्रिपाठी का टिकट काटकर पार्टी ने शलभमणि त्रिपाठी पर अपना भरोसा जताया। इसी तरह बलिया की बेल्थारोड सीट पर मौजूदा विधायक धनंजय कनौजिया का टिकट काटकर बीएसपी से बीजेपी में आए छट्टू राम को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बड़े चेहरों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को फिर उम्मीदवार बनाया, जबकि इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को फिर टिकट दिया गया। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं करेंगे। जेडीयू ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, ऐसे में वो वहां चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में आयोजित एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बिजली, सड़क और रोजगार की समस्या पर बात की। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल कितने, बिजली के बिल आते हैं आपके पंजाब में भी, अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। इसमें कांग्रेस छोड़कर आए किशोर उपाध्याय का भी नाम शामिल है। वो टिहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि इसी सीट से धन सिंह नेगी को कांग्रेस से टिकट मिला है, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में गए थे।